गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल महू पहुंचे। ड्रीमलैंड चौराहे से माणक चौक होते हुए हार्दिक पटेल अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचकर पटेल ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद वे इंदौर के लिए प्रस्थान कर गए। हार्दिक पटेल से जब यह पूछा गया कि वे किसान यात्रा है या किसान कांग्रेस यात्रा है, इस सवाल को लेकर हार्दिक पटेल बहुत गर्व हो गए थे। हार्दिक जी, ये जो आपकी यात्रा है, ये किसान यात्रा आएगी या फिर कांग्रेस यात्रा है? तो जिसका जैसा नजरिया सर उसको। नहीं, नजरिया नहीं, सवाल समझिए और सवाल का जवाब दीजिए। तो जिसका जैसा नजरिया अगर आप समझे। आपके साथ में अधिकांश मऊ के जो लोग हैं वो कांग्रेसी हैं, ना कि कोई किसान है। इस बारे में क्या बोलना है, सीधा सीधा स्पष्ट जवाब दीजिए। मेरे साथ भाजपा वाले थोड़ी ना चलेंगे सर। लेकिन किसान भी तो नहीं आपके सर देश में आप चुनावी समर के बीच पहुंचे हैं, अभी तक में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पर जनता इस बार किस तरीके? मैं पिछले एक साल से आता हूँ, लेकिन चुनावी समय नहीं है। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की क्या परेशानी उसको साइड में बनाया और लोगों की जो समस्या उसके लिए अपने क्रांति से जन चेतना पैदा हो सके उसके लिए हम दौड़ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर किसान और बेरोजगार की बड़ी स्थिति है, इस मुद्दे पर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब देखते आने वाले दिन में लोगों का मिजाज के साथ। सर भाजपा के लोग आप चौराहे पर पहुंचे तो भाजपा के समर्थकों ने नारेबाजी की है और आपसे मार देना कि मेरी नारेबाजी। सर भाजपा के लोग तो आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपके साथ किसान भी दिखाई नहीं दे रहे। किसान आपकी जो यात्रा है, आपकी यात्रा में किसान दिखाई।